हिंदी दिवस के अवसर पर कवियों ने अपनी कविताओं से समा बांध दिया। कविताओं के बाद समारोह के मुख्य अतिथि बांस शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम पिरौनिया ने कवियों का सम्मान किया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर साहित्यकार अनुराग शर्मा राग ने काव्य गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बांस शिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधायक घनश्याम पिरौनिया थे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में पूर्व विधायक घनश्याम पिरौनिया ने कहा कि हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। आज हिंदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक बन गई है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भी लोगों के दिलों में हिंदी के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे वो बांस बांस की गांठ को पर्व बोलते हैं और संस्कृत में पर्व को जुड़ना बोलते हैं। नहीं पर्व ये पर्व ये सब जोड़ते हैं, समाज को जोड़ते हैं सब। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी के वरिष्ठ कवि लालजी योगी अमन ने की। पूर्व विधायक घनश्याम पिरौनिया ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कवि गोष्ठी में लालजी योगी, अनुराग शर्मा राग, प्रकाश बुधोलिया चंद्र, डॉक्टर वसंत सोनी एवं रामकिशोर अग्रवाल ने काव्य पाठ किया। सूर तुलसी बिहारी और मीरा के बसी मन में, सूर तुलसी बिहारी और मीरा के बसी मन में, भारती भाल पे चमके कि बिंदी की तरह। ही छिदिच के पार गया, बहुत अच्छी कष्ट मिले उसको जीवन में जो संघर्षों से हार। क्या वाह वाह वाह, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।